नेक्स्ट है हमारा शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस में क्या होता है कि जैसे अगर मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, एक रॉड है जिसका लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया ये ए है, ये वाला एरिया हमारा इसका ए है, और अगर इस पे हम एक पैरेलल फोर्स लगा दे, मतलब सरफेस के जहां पे ये एंड है इसके पैरेलल अगर फोर्स लगा दे, तो ये क्या होता है, नॉर्मल फोर्स लगाएंगे तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है, और अगर टेंजेंशियल फोर्स लगा दे सरफेस एरिया, ये जो एरिया है इसके पैरेलल अगर फोर्स लगा दे तो इसको हम लोग बोलते हैं शियर, और इसको शियर का मतलब होता है तोड़ना, तो इसको शियर हम लोते हैं, फोर्स पैरेलल फोर्स बाय एरिया को हम लोग शियर स्ट्रेस बोलते हैं, और इसका भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। तो शियर स्ट्रेस हो या टेंसाइल स्ट्रेस हो दोनों का यूनिट सेम होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको कई बार हम लोग पास्कल भी बोल देते हैं। सो ये टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। अब जब हम टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से, ये तो हमने फिक्स कर रखा है एक एंड, ये अपने पोजीशन से थोड़ा सा इस तरह से ये ऑब्जेक्ट को शिफ्ट होकर के यहां पे ऐसा हो जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस शिफ्ट हुआ है ये एक्स को हम लोग बोलते हैं, एक्स इज कॉल्ड शियर, ये इसको बोलते हैं शियर, और ये जो शियर हुआ इस ऑब्जेक्ट का जो शियर हुआ तो हम बोलेंगे शियर दिस डिस्टेंस शियर बाय ओरिजिनल लेंथ एल, इसका जो लेंथ हुआ ये दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन मतलब डिस्टेंस शियर बाई लेंथ, तो x बाय एल हमारा हो जाएगा शियर स्ट्रेन, और अगर ये थीटा है मान लो तो इसको कई बार हम लोग लिख लेते हैं अप्रोक्सीमेटली टैन थीटा के बराबर। सो शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन अंडर इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर ये जो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन है ये भी दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, और हम इसको बोलते हैं अंडर इलास्टिक लिमिट शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, एंड ईटा को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो जिसका मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑब्जेक्ट का रिजिडिटी बताता है, जिसका रिजिडिटी, जिसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ज्यादा होगा वो ज्यादा रिजिड बोला जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे हम बात करें कि स्टील और रबर में ज्यादा रिजिड कौन होगा, तो जैसा कि हमने पिछले यंग्स मॉडुलस में देखा था कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, क्योंकि स्टील का यंग्स मॉडुलस ज्यादा था। अब हम फिर से इसको कंपेयर करते हैं, मान लो कि ये जमीन है, इस पे हमने एक रबर का रॉड ऐसे फिट कर दिया, जमीन पे ऐसे चिपका दिया, और यहां पर ये हमारा रबर है, और यहां पर हमने एक स्टील का आइडेंटिकल बिल्कुल सेम दिखने वाला रॉड, ये हमारा एक स्टील का रॉड चिपका दिया जिसका लेंथ भी एल है और एरिया भी ए है, इसका भी लेंथ एल है और एरिया ए है, दोनों आइडेंटिकल है, बट एक स्टील का बना हुआ है और एक रबर का बना हुआ। अब हम इस पे फोर्स लगाए, मान लो टेंजेंशियल फोर्स लगाए कितना एफ नॉट, यहां पर भी फोर्स लगाए कितना एफ नॉट, तो अब क्या होगा कि अब हमारा जो रबर होगा ये कुछ ज्यादा सियर हो जाएगा, ये रबर का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, और स्टील का शेप, ये हमारा रबर ऐसा सियर हो जाएगा, जबकि स्टील बहुत कम सियर होगा, ये जरा सा ऐसे सियर होकर के रह जाएगा, ये हमारा स्टील जरा सा शेप ऐसे सियर होगा। ये स्टील का सियर है x2 और ये रबर का सियर है x1, रबर ज्यादा बेंड हो जाएगा, ये स्ट्रेट नहीं बना, ये स्ट्रेट ही मान लेना है, ये रबर ज्यादा सियर हो जाएगा। तो अब हम रबर के हिसाब से अगर बात करें तो हमने जो सियर स्ट्रेस लगाया कितना लगाया एफ नॉट बाई एरिया, और ये हमारा हो जाएगा मॉडुलस ऑफ रबर इंटू एक्स ऑफ रबर बाई एल। इसी तरह से ये एक्स को हम एक्स वन बोल रहे हैं, और इसी तरह से स्टील के लिए अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा एफ नॉट बाई एरिया, क्योंकि हमने फोर्स बराबर लगाया, रिजिडिटी ऑफ स्टील इंटू एक्स टू बाई एल। यहां से हम बोलेंगे, और जैसा कि हमने देखा यहां से एल इधर ले आते हैं, तो हम बोलेंगे ईटा ऑफ रबर इंटू एक्स वन दैट इज इक्वल टू एफ नॉट एल बाई एरिया, ये हमारा पहला रिलेशन हो गया, और इसको अगर रीअरेंज करें तो ये हमें देगा इट इज एफ नॉट एल बाई एरिया इज इक्वल टू ईटा ऑफ स्टील इंटू एक्स टू, और ये हमारा दूसरा रिलेशन हो गया, और इन दोनों से हम बोल सकते हैं ईटा ऑफ रबर इंटू एक्स ऑफ रबर दैट इज इक्वल टू ईटा ऑफ स्टील इंटू एक्स ऑफ स्टील, एक्स ऑफ स्टील हमारा कितना एक्स टू, ये x2। अब हमें पता है सेंस x1 इज ग्रेटर देन x2,
तो यहां से क्योंकि x1 बड़ा है और ये हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट, तो हम यहां से बोलेंगे ईटा ऑफ रबर इज लेस देन ईटा ऑफ स्टील, क्योंकि रबर का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कम है, सो रबर इज लेस रिजिड देन स्टील, और स्टील हम बोलेंगे कि स्टील का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ज्यादा है, इसलिए स्टील ज्यादा रिजिड है एज कंपेयर टू रबर, मतलब स्टील ज्यादा इलास्टिक भी है, क्योंकि इलास्टिक प्रॉपर्टी अगर हम इलास्टिक कौन मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है ये देखने के लिए हम लोग यंग्स मॉडुलस देखते हैं, कितना उसमें लेंथ में इंक्रीमेंट होता है ये हम लोग नहीं देखते। सो अगर जिस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है वो ज्यादा इलास्टिक होगा, और जिस मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ज्यादा है वो ज्यादा रिजिड होगा। तो स्टील का क्योंकि यंग्स मॉडुलस भी ज्यादा है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी ज्यादा है, तो इसीलिए स्टील मोर इलास्टिक भी है और मोर रिजिड भी है। तो ये हमारा हो गया, इससे रिलेटेड अब हम लोग आगे बात करेंगे। एक और मॉडुलस होता है तीसरा, जिसको कि हम लोग बल्क मॉडुलस बोलते, तो बल्क मॉडुलस में हम लोग कहता तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, अब हम ऐसा फोर्स लगाएं कि इसके हर पार्टिकल पे फोर्स अगर लगा दिए तो इसमें जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो डिफाइंड होता है टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया दैट इज एक्चुअली चेंज इन प्रेशर। तो अगर सब जगह फोर्स लगाएंगे, टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता था हम एरिया के नॉर्मल फोर्स लगाते थे, शियर स्ट्रेस में क्या होता था हम सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाते थे, बट बल्क मॉडुलस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में हम पूरे वॉल्यूम पे फोर्स लगाते हैं, और वो तभी पॉसिबल है जब हम यहां का प्रेशर में कुछ चेंज ला देंगे। सो चेंज इन प्रेशर इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, डीपी क्या है चेंज इन प्रेशर, और जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट पहले इतना बड़ा था थोड़ा सा वॉल्यूम क्या हुआ घट गया, चारों तरफ से जब हम इसको दबाएंगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो ये हमारा हो गया चेंज इन वॉल्यूम इज डीवी। सो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी बोलते हैं। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो गया चेंज इन प्रेशर, इसका यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का यूनिट भी ये भी हमारा यूनिटलेस ही होता है। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम अंडर इलास्टिक लिमिट, मतलब जब तक ये फिनोमिना इलास्टिक प्रॉपर्टी इलास्टिक रीजन के अंदर है तब तक हम बोलेंगे अंडर इलास्टिक लिमिट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मतलब डीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डीवी बाई वी, और उसको हम लोग कॉन्स्टेंट को बोलते हैं बल्क मॉडुलस, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है इसीलिए यहाँ पे माइनस लगाते हैं, क्योंकि जब वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब वॉल्यूम घट रहा है, और प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब इसमें डीपी अगर पॉजिटिव है मतलब प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम निगेटिव हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ा तो डीपी निगेटिव हो जाएगा, मतलब इसमें ये डीपी या डीवी में से एक टर्म कोई ना कोई निगेटिव होगा। सो इस टर्म को बल्क मॉडुलस को पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे एक माइनस साइन रखते हैं। तो ये हमारा बल्क मॉडुलस का कहानी हो गया। कई बार हम लोग लिख देते हैं बल्क मॉडुलस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस वी डीपी बाई डीवी, ये हमारा ये V को इधर भेज दिया और DV को नीचे कर दिए, ये हमारा हो गया बल्क मॉडुलस, जो हम लोग साउंड में ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं। बल्क मॉडुलस अंदर आइसोथर्मल कंडीशन हम लोग पढ़े थे, साउंड में पढ़े थे बल्क मॉडुलस अंदर आइसोथर्मल कंडीशन इज P, बल्क मॉडुलस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन इज गामा P, ये वही वाला बल्क मॉडुलस है जो कि गैसेस के लिए ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ये हमारा पॉइजन रेशियो जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइजन रेशियो होता है जैसे ये एक रॉड है, इसका लेंथ एल है और इसका रेडियस मान लो रेडियस मतलब डायमीटर का आधा इसका रेडियस आर है, अगर हम इसको मान लो खींच करके लेंथ इसका बढ़ा दिए तो लेंथ जब बढ़ाएंगे तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल विल रिमेन सेम, तो लेंथ बढ़ाने से इसका रेडियस कम हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं पॉइजन रेशियो जो डिफाइंड है द चेंज इन रेडियस बाई ओरिजिनल रेडियस, ये हमारा हो गया चेंज इन रेडियस बाई ओरिजिनल रेडियस, और चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ को हम लोग पॉइजन रेशियो बोलते हैं अगर ये इलोंगेशन बहुत कम है तो। सो ये पॉइजन रेशियो सिग्मा से रिप्रेजेंट करा जाता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम ये रॉड का लेंथ बढ़ाएंगे तो रेडियस में चेंज आएगा, सो रेशियो ऑफ चेंज इन रेडियस बाई ओरिजिनल रेडियस होल डिवाइडेड बाई चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई
ओरिजिनल लेंथ। और ये भी हमारा, क्योंकि रेडियस अगर घट रहा है तो लेंथ पॉजिटिव, डेल्टा एल पॉजिटिव तो डेल्टा आर निगेटिव, और डेल्टा आर अगर निगेटिव मतलब घटा है तो इसका मतलब लेंथ बढ़ा है, लेंथ बढ़ा है तो डेल्टा, मतलब ये डेल्टा आर और डेल्टा एल हमेशा इन दोनों में से एक ना एक कोई निगेटिव होगा। डेल्टा आर अगर पॉजिटिव है मतलब डेल्टा आर अगर बढ़ा है तो लेंथ घटेगा, लेंथ बढ़ा है तो डेल्टा आर घटेगा, तो ये दोनों हमेशा एक ना एक निगेटिव रहेगा ही रहेगा। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम एक यहाँ पे माइनस साइन भी पुट कर देते हैं। नॉर्मली हर मटेरियल का जो कॉमनली यूज मटेरियल होता है उसका पॉइजन्स रेशियो 0.1 से लेके 0.3 के बीच लाई करता है। अब हम इन तीनों का रिलेशन एक देख लेते हैं कि यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो में क्या रिलेशन होता है। तो यंग्स मॉडुलस जो होता है, ये रिलेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं बड़े अक्षरों में, यंग्स मॉडुलस जो होता है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स बल्क मॉडुलस इंटू 1 माइनस 2 टाइम्स पॉइजन्स रेशियो। इसी दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इंटू 1 प्लस पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया, ये फॉर्मूला याद रखना है, चेंज इन रेडियस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेडियस होल डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, और इसके आगे माइनस लगा देना है। तो ये हमारा पॉइजन्स रेशियो होता है, और ये यंग्स मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच रिलेशन है।